उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद के शिरडी साईं पब्लिक स्कूल के सार्थक अग्रवाल को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों से टॉप 10 की लिस्ट में आए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मुरादाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश की टॉप 10 की लिस्ट में आने वाले बच्चों के साथ और जिले की टॉप 10 की लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सभागार में आयोजित कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी गोपाल अंजान, एमएलसी सतपाल सैनी, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने पहुंचकर जनपद मुरादाबाद के 21 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, धनराशि का चेक, टैबलेट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने कहा कि आज विद्यार्थियों के लिए गौरव का दिन है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जहां बच्चों को प्रदेश की लिस्ट में आने पर 1,00,000 रुपए का चेक और जिले की लिस्ट में आने पर 21,000 रुपए के साथ टैबलेट, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 21 ऐसे बच्चे हैं जिनको आज सम्मानित हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें 11 बच्चे हमारे हाई स्कूल के हैं तथा 10 बच्चे हमारे इंटरमीडिएट के हैं। जो राज्य स्तर की जो हाई स्कूल की मेरिट है उसमें कुल 159 विद्यार्थियों का प्रदेश भर से चयन हुआ है, जिसमें 6 विद्यार्थी हमारे जनपद के हैं। और बहुत गर्व की बात है कि हमारा एक बच्चा सम्मानित हो गया। आप सभी बच्चों ने, आपके परिवार के पेरेंट्स ने, सभी आपके सहयोगियों ने, आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत करी होगी, आपने भी बहुत मेहनत करी होगी, तभी आप लोग आज इस परीक्षा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके लाए हैं। और हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम लोग आपके बीच में आपके साथ उपस्थित हैं और आपको आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग, जैसा विधायक जी ने बोला है, कि हम लोग ये भी प्रयास करें कि हमारे जो राजकीय स्कूल हैं तथा जो हमारे एडेड स्कूल हैं उससे भी हम लोग रैंकर लाएं। इस पर भी इस साल हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि हम हमारे जो टॉपर्स आए अगली साल उसमें ज़रूर हमारे जो गवर्नमेंट है एवं एडेड स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे। इसके लिए हम BRS साहब से और उनके समक्ष PSA साहब से भी ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग और मेहनत करिए और अच्छा बेहतर रिजल्ट अगले साल जनपद मुरादाबाद का आए, इसीलिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। MLC गोपाल अंजान ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुरादाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि आप मेहनत कीजिए, जहां कमी महसूस होगी वहां हम सुधार करने का काम करेंगे। कड़वी अच्छी होगी और दवा अगर कड़वी नहीं है तो होम्योपैथिक की तरह लाभ करेगी, बहुत समय लगेगा जब तक इन बच्चों का समय आगे बढ़ जाए। शासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्थाएं उपस्थित, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, गुलाब देवी जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा उच्च शिखर छू रही है और बच्चों के जो उनका ज्ञान है, जो उनकी जो उन्होंने उपलब्धता हासिल की उसका परिणाम आज उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से आप लोग लोकभवन में देख रहे हैं। और मेरा भाव और मेरा आशय, माननीय मुख्य विकास अधिकारी सहित यहाँ सभी उपस्थित अधिकारी समझ गए होंगे, सरकार अगर समस्त सुविधाएं दे रही है तो गरीब के बच्चे तक वह किरण पहुंचनी चाहिए, अन्यथा मैं आपके विरुद्ध खड़ा हूं। इतनी ही बात कहते हुए बच्चों को मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं, आप उस शिखर पर पहुंचे, इस देश का, इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का नाम ऊंचा करें, बस इतनी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। MLC सतपाल सैनी ने भी अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों को बधाई देने के साथ ही कहा कि आप हमारे देश का भविष्य हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, बच्चों को गंतव्य स्थान पहुंचाने में आज जो सम्मान देकर जो सहायक रूप में शहीद भूमिका सरकार उनके साथ खड़ी है, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन भी व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी
अभी मेरे को बताएं कि किस छात्र छात्राएं जिनको आज सम्मानित करना है, उनको मेरी ओर से उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने यह जानकारी दी कि मुरादाबाद में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी शामिल हैं। प्रदेश की लिस्ट में आने वाले 16 बच्चों को 1,00,000 रुपए का चेक और जनपद की लिस्ट में आने पर 5 विद्यार्थियों को 21,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है और साथ ही टैबलेट और मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो मेधावी बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड में टॉप 10 की सूची में है, स्टेट लेवल के हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो 5 डिस्ट्रिक्ट के मेरिट के बच्चे हैं, उनको मिलाकर के कुल 21 छात्र छात्राओं को आज पुरस्कार धनराशि उनको दी गई, एक मेडल दिया गया और उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, एक टैबलेट दिया गया। जो स्टेट लेवल के मेधावी बच्चे हैं उनको 1,00,000 रुपए का चेक दिया गया, उनके खाते में धनराशि अंतरित कर दी गई है, उनको एक टैबलेट दिया गया है, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया और एक मेडल दिया गया है। हाई स्कूल के जो जनपद स्तरीय मेधावी 5 छात्र छात्राएं हैं उनको एक टैबलेट दिया गया, 21,000 रुपये का चेक उनको दिया गया, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया और उनको मेडल से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से जनपद में आज माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल 21 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने ये जानकारी दी कि हमारे विद्यालय में निपुण विद्यार्थियों को 1,200 रुपए का चेक शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। उद्देश्य यही है कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और उन्हें सुविधाओं के साथ हर संभव मदद की जाए। मैं आज हम लोगों का जो राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो परिषदीय छात्र छात्राएं हैं जिनको हम लोग प्रति वर्ष गार्जियन के खाते में 1,200 रुपए की धनराशि जो है वो DBT के माध्यम से हम लोग अंतरित करते हैं, तो उनको हमने जनपद स्तर से आज सांकेतिक रूप से 5 छात्र छात्राओं को DBT अंतरण का चेक जो है वो माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरित कराया। साथ ही NCERT की पुस्तकें जो हैं हमारे क्लास 1 और 2 में नए पाठ्यक्रम के तहत जो है वो संचालित की जानी थी, तो 5 छात्र छात्राओं को हम लोगों ने माननीय जनप्रतिनिधियों से अपना पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्यक्रम कराया। साथ ही निपुण छात्र छात्राओं को भी हम लोगों ने जनपद के जो छात्र हमारे निपुण थे उनको भी हमने मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा माननीय MLC सर के द्वारा जो है उन निपुण छात्र छात्राओं को जनपद स्तर पर आज सम्मानित किया गया है।